ब्लड शुगर टेस्ट या खून में शक्कर की मात्रा की जांच। सामान्य खून की जांचों में ये जांच काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके डॉक्टर आपको ये जांच कराने के लिए कहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजश्री है और आज हम जानेंगे कि शुगर टेस्ट कराते समय जब हम खून दें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुगर की सामान्य जांच तीन प्रकार की हो सकती है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जिसे हमें खाली पेट करवाना पड़ता है, और पोस्ट प्रांडियल शुगर या पीपी शुगर या नाश्ते के बाद कराए जाने वाली खून में शक्कर की जांच। आज देखते हैं कि इन तीन प्रकार की जांचों के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरू करते हैं रैंडम ब्लड शुगर से। रैंडम ब्लड शुगर का जो टेस्ट है इसको कराने के लिए आप दिन में कभी भी खून का नमूना दे सकते हैं और इस जांच को कराने के लिए कोई खास तैयारी की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फास्टिंग शुगर टेस्ट की ओर, जो हमें खाली पेट रहकर करवानी होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए जांच कराते समय हमें कम से कम 8 घंटे का उपवास रखना पड़ता है, जिसे हम 8 आवर्स ऑफ ओवरनाइट फास्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपने अपना रात का खाना 9 बजे खाया तो 9 बजे के बाद अगले 8 घंटे के लिए हम किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। पीने के लिए भी हम सिर्फ पानी पिएंगे, पानी के अलावा और कोई चीज ना पिए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब भी हमें 8 घंटे के लिए छोड़ने हैं, इनका सेवन भी अगले 8 घंटों के लिए हमारे लिए वर्जित है। 8 घंटे के बाद आप फास्टिंग शुगर का सैंपल देने के लिए तैयार हैं और आप अपने खून का नमूना दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पीपी शुगर या पोस्ट प्रांडियल शुगर या नाश्ते के बाद कराए जाने वाली शुगर की जांच के। इस टेस्ट के लिए आपको नाश्ता शुरू करने से लेकर अगले 2 घंटे का अंतर रखना होगा और 2 घंटे के बाद आप अपना खून का नमूना दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मान लीजिए सुबह 8 बजे नाश्ता करना शुरू किया है तो 8 बजे से 2 घंटे तक का अंतर रखें, मतलब 10 बजे तक आप प्रतीक्षा करें और 10 बजे अपने खून का नमूना आप इस टेस्ट के लिए दे सकते। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं जैसे बीपी की दवाई या शुगर की दवाई या इंसुलिन के इंजेक्शन, तो इन टेस्ट को कराने से पहले ये दवाई जैसे आप निर्धारित समय और निर्धारित मात्रा में ले रहे थे वैसे ही ले। कोई भी दवाई रोके नहीं इन टेस्ट्स को कराने से पहले। आप अपने साथ लेने वाली दवाइयों का नाम और सूची जिसमें इन दवाइयों की मात्रा हो ऐसी एक सूची अपने पास जरूर रखें। हो सकता है आपकी प्रयोगशाला में आपके जो डॉक्टर हैं वो इस सूची की मांग आपसे करें। हमें आशा है कि अगली बार शुगर का टेस्ट कराते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए उपयोगी था। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।